इन दिनों मशहूर गायक अनुराधा पौडवाल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। तिरुवनंतपुरम की एक 45 वर्षीय महिला करमाला ने अनुराधा पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी है। इसके साथ ही महिला ने जिला परिवार न्यायालय में केस दर्ज कर 50 करोड़ रुपए की मांग भी की है। वहीं करमाला के वकील का कहना है कि अगर अनुराधा उनके दावे को खारिज करती है तो हम उनसे DNA टेस्ट की मांग करेंगे। जब इस मामले में मीडिया ने अनुराधा से सवाल पूछे तो गायक मीडिया पर ही भड़क गए। अनुराधा ने मीडिया से कहा कि अगर कोई कुत्ता सड़क पर भौंक रहा है तो आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं भी भौंकने लगूं। अनुराधा का कहना है कि उनकी अपनी बेटी कविता 1997 में पैदा हुई थी। अपने ऊपर लगने वाले आरोपों के खिलाफ कदम उठाने पर अनुराधा ने कहा कि जब कुछ करेंगे तो पता चल जाएगा, मुझे कानूनी पेचीदगियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये लोग यकीनन वसूली करने वाले लोग हैं। वहीं कोर्ट पर सवाल दागते हुए अनुराधा ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि अदालत ने आखिर किस आधार पर यह मामला स्वीकार किया, क्या अदालत में अब ऐसे ही फर्जी मामले स्वीकार होंगे और असल गुनहगार छूटते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।